अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ दराज शॉपिंग हॉल। इसमें हम जितनी भी शॉपिंग की गई है उसको अनबॉक्स करेंगे, प्लस मैं आपको प्राइजेस बताती जाऊँगी। लिंक्स मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो बनाने में, और आप कह सकते हैं कि मैंने जब से चीज़ें मंगवाना शुरू की थी, महीना हो चुका था, चीज़ें लेट लेट आ रही थी, यानी थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी। कुछ चीज़ें जो एक्सपेंसिव थी ज़्यादा, वो मैंने खोल के चेक कर ली थी उनकी क्वालिटी वगैरह कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि रिटर्न की जा सके या एक्सचेंज करवाई जा सके। सो चीज़ें जो हैं वो अभी भी एक दो कुछ पेंडिंग थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जितनी आ चुकी हैं उतनों की वीडियो बना ली जाए। तो वन बाय वन मैं आपको सारे दिखाना शुरू करती हूँ। फर्स्ट वन, यहाँ पे मेरे पास ये शू ऑर्गेनाइजर्स हैं। आपने अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी है, आपने किसी दूसरे सिटी या कंट्री जाना है, तो शूज़ बहुत बड़े इशू रहते हैं कि उनको कैसे अपने सूट केसेस में रखा जाए। सो ये वाले बैग्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप ये मंगवा के रख लें। इसके अंदर इजीली दो पेयर तो आप डाल ही सकते हैं शूज़ के। ये बहुत अच्छे से आपके शूज़ को संभाल के आपके बैग के अंदर रख लेगा, प्लस जितना भी डर्ट वगैरह है वो इसके अंदर ही रहेगा, आपके बाकी कपड़ों को ये ख़राब नहीं करेंगे। ये कुछ अराउंड मुझे 270 या 280 रुपीज़ के ये 4 पीसेज मिल गए थे, पर उसके बाद मंगवाने के बाद मैंने देखा कि इससे रीज़नेबल प्राइस में भी ये अवेलेबल है, यानी 50 रुपीज़ ईच तक का भी ये एक मिल रहा है। तो आप देख लो, आपको जितने रिक्वायर हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फुल बंडल में मंगवाए थे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स ये प्लास्टिक बैग्स हैं। इसके अंदर आप अपना एक एक जो पेयर है उसको रख लो, पूरा सेट भी आप इसके अंदर रख सकते हो, या अगर आप लोग कलर वाइज अपनी ज्वेलरी को सेट करना चाह रहे हैं, एक में गोल्डन रखना चाह रहे हैं, एक में सिल्वर रखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसमें आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, प्लस कलर जो है वो समटाइम कुछ ज्वेलरी इस तरह की होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, काली होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप इसमें रखेंगे तो आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, ये भी पैक्स में मिलते हैं, इसमें 50, 25, 100 इस तरह की पैकिंग मिलती है। मैंने यहाँ पे 25 वाला, यानी सबसे जो इनकी छोटी पैकिंग थी, वो मंगवाई थी। इसकी प्राइस और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी प्राइस कितनी थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ना अब ये ऑर्डर है, अब याद भी नहीं रहता कि इसके अंदर क्या है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा कैंडल्स हैं, ये बबल कैंडल्स मैंने मंगवाई थी, ये बहुत शो हो रही थी मुझे, प्लस मुझे कैंडल्स चाहिए भी थी, कुछ सेंटेड कैंडल्स, तो ये रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी, मैंने ये ऑर्डर कर ली। ये 199 रुपीज़ की ये दो मिल रही थी बबल कैंडल्स। अच्छा, ये देखने में तो लग रहा था पिक्चर में कि बहुत अच्छी क्वालिटी होगी इनकी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इनको खोला, इतनी गंदी क्वालिटी थी, प्लस जो इसका आप कह लो कि कैंडल जो थी उसका कुछ हाथों पे लगी जा रहा था सारा, अच्छा नहीं था ये बिल्कुल भी। मैंने सस्ती करके मंगवाई थी कि जी जनाब रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं, बट क्वालिटी बहुत घटिया थी, ये बिल्कुल ना मंगवाइएगा। उसके बाद मैंने ये मंगवाया था, ये हॉट वैक्सिंग मशीन है वैक्स करने के लिए, और ये मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी किसी वीडियो में इंशाल्लाह कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये डुप्लीकेटर आप इसे कह लें, इसके अंदर ऑलरेडी आपके उसके साथ ही इन्होंने शू दिया हुआ है, मतलब स्विच दिया हुआ है, आप वो लगा के इसको गर्म कर सकते हैं, और प्लस इसके साथ कुछ वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं। इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, ये जो है आप छोटे बच्चों के ट्राउजर सीने के लिए रख लें, वो वाला टिकन गंदा सा इन्होंने दिया हुआ है इसके साथ। प्लस इसके अंदर ये जो एप्लीकेटर है, इसके अंदर एक रोलर है, आपका ये रोलर अगर ख़त्म हो जाए तो ये अलग से भी दराज पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ये मंगवा सकते हैं। तो मुझे ये 1300 रुपीज़ का पूरा सेट मिल गया था, इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अगर आपने खाली रोलर मंगवाना हो तो ये रोलर ही आपको 600 to 650 रुपीज़ का ईच मिलेगा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था और वैक्स मैंने इससे करके देखी थी, आप जो है वो इस तरह से इसको लगाएंगे अपने आर्म पे या अपने लेग्स पे, जहाँ पे भी वैक्स करनी है, उसके बाद आप सिंपली स्ट्रिप को रखकर बाल उतार लेंगे। इतना इजी कर दिया है इन्होंने वैक्सिंग करना, बहुत आसान है। अब आपको अलग से वैक्स गर्म करने की, फिर ना इसे उसको अप्लाई करने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ हमारे पास, इसमें से निकलेगा, इसमें भी कैंडल्स ही हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैक करके भेजी थी, प्लस इसकी शेप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। सेंटेड नहीं थी ये दूसरी कैंडल्स की तरह, प्लस ये बिल्कुल भी आपके हाथों पे नहीं लग रहा था, जो भी इसका मटेरियल है जिसके साथ ये कैंडल्स को बनाते हैं।
और इसकी क्वालिटी भी बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छी शेप थी इसकी। मैंने ये अपने टेबल पर रखने के लिए ऑर्डर की थी। इसकी प्राइस 249 रुपीज़ थी आई गेस। उसमें मुझे ये दो मिल गई थी, एक बड़ा रोज़ बना हुआ है फ्लावर और उसके साथ एक छोटा रोज़ बना हुआ है। नेक्स्ट मैंने और भी कैंडल्स ऑर्डर की थी, सेंटेड कैंडल्स। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर से वो ही निकलेंगी। ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पैक करके भेजी हुई है। इसकी प्राइस आई गेस 250 थी या 300 थी, दो कैंडल्स इतने पैसों में मिल गई थी। और ये एग्जैक्ट सेंटेड थी, इसमें एक लिवेंडर होगा, ये वाला हमारे पास लिवेंडर था। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और प्लस ग्लास की क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। और दूसरी जो थी वो वनीला थी हमारे पास, दोनों कैंडल्स। मुझे तो पर्सनली इनकी खुशबू भी बहुत पसंद है। एरोमेटिक की जो कैंडल्स होती हैं उनको स्मेल करके लिया करें जो आपको सूट कर रही हो। प्लस कुछ कैंडल्स इस तरह की होती हैं जो आपके जिनकी फ्रेग्रेंस आपके सर में दर्द शुरू कर देती है, तो उन उनसे बचा करें। मुझे जो है वो पर्सनली यही दो फ्लेवर्स ज़्यादा पसंद है। या मुझे कॉफ़ी भी कभी कभी पसंद होता है, कॉफ़ी भी बहुत अच्छा रहता है, पर वो इस पैकेज में इनके साथ नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट मैंने अपने बाथरूम के लिए ये एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था जो मुझे बिल्कुल लगवाना था शेल्फ के साथ। उसके लिए ये मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी। ये क्वालिटी वाइज तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ नहीं लगी, बहुत ही थिन सा इसका कहते हैं एलुमिनियम है, ये एलुमिनियम का बना हुआ है, बहुत थिन इसकी ये शीट थी ये वाली। तो मुझे डर था बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ रखी तो ये नीचे को ही लटक जाएगा। 1600 रुपीज़ का मुझे ये मिला था विद डिलीवरी। फिर मैंने इसको इंस्टॉल तो करवा लिया क्योंकि जो सेलर था वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैंने उसको बताया कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके रिप्लाई ना करने की वजह से मुझे लगा कि बात नहीं बनेगी, इसलिए फिर मैंने इसको इंस्टॉल कर ही लिया। खैर, चीज़ें फिर मैंने सोचा यही करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें इसके ऊपर नहीं रखा करूँगी ताकि कुछ टाइम के लिए ये चल जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा अगर चेंज करना हुआ तो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेकअप, ये जो 360 रोटेटर मेकअप ऑर्गेनाइज़र होता है, ये मैंने ऑर्डर किया था। बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी। अच्छा, मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे लोगों के किस वाले पे जो है वो अच्छे रिव्यूज़ होंगे वो मंगवाऊंगी। ये जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था ना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को मेरी तरह बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ ना देखने पड़े। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल पीस डैमेज नहीं था। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के जो मैंने कमेंट्स देखे थे ना, उसमें मोस्टली रिव्यूज़ डैमेज के थे कि पीस कहीं ना कहीं से डैमेज होता है और लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। अच्छा, इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे 2400 रुपीज़ का मिल गया था। इसमें बहुत दो कलर्स अवेलेबल थे इसमें आई गेस। इसमें एक तो ये ट्रांसपेरेंट था और दूसरा मुझे लग रहा है मैंने ब्लैक देखा था इसके अंदर। तो आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप मंगवा लीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑर्डर की थी। किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये ऑर्गेनाइज़र भी दिखा दूंगी, मैंने कैसे इसको फिर ऑर्गेनाइज़ किया बाद में। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो जो सी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी है, आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही लिंक उठाकर उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में एक अच्छे टॉपिक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।